ओम शांति ओम शांति ओम शांति। 20/1/2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज के ईश्वरीय महावाक्य, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई थी वह अब छूटी की छूटी, इसलिए अपार खुशी में रहना है। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी शौक रखना है, किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। उत्तर में बाबा ने कहा, एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबियां होती हैं, तुम्हें वह सब छोड़ देनी है। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, बाप के साथ वापस जाना है, इसलिए इस शरीर से ताल्लुक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। पेट को 2 रोटी खिलानी है और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। गीत है जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। जो भी अनन्य महावीर अडोल बच्चे हैं, वह समझते हैं कि अनेक प्रकार के मनसा तूफान भी आएंगे और कैलमिटीज बीमारियां आदि भी आएंगी, क्योंकि अब पिछाड़ी का पांव है, माया खूब झोंके लगाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उन्हों को तो मालूम पड़ता है कि शरीर के हिसाब किताब भी चुकतू होंगे, नथिंग न्यू। जो भी, चाहे वो रिश्तों के आपसी तालमेल हो, चाहे इस दुनिया में जो भी हो रहा है या जो भी आपके परिवार से रिलेटेड परेशानियां हैं, कोई बीमारियां हैं, यह सब कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं सब कुछ हमारे जो जन्म जन्मांतर के कर्म विकर्म हैं, उनका हिसाब किताब इस अंतिम जन्म में हर एक मनुष्य आत्मा को चुकतू करना ही करना है। तो इसीलिए ये जो भी आती हैं, चाहे वो नेचुरल कैलमिटीज हो और चाहे फिजिकली कैलमिटीज हो, तो सब पहले जो हुआ सो हो रहा है। तो यह जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे ना, उन्हों को तो मालूम पड़ता है ना, कि यह हिसाब किताब है जो चुप्त होंगे और हो रहे हैं। जब कोई बीमारी छूटने पर होती है तो खुशी होती है, अब हम इस बीमारी से छूटने वाले हैं। तुम जानते हो बाकी थोड़े रोज हैं, यह 5 विकार की बीमारी आधा कल्प की लगी हुई है, 63 जन्मों की है, जिससे मनुष्य अजामिल जैसे पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसी दुनिया अब बाकी थोड़े रोज हैं, यह बीमारियां छूटी की छूटी। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती, वह तो जैसे कि आसुरी बुद्धि है, वह तो हाय हाय करते रहेंगे। जो भी कुछ विनाश का कुछ भी, मान लीजिए अभी ही कोरोना बीमारी है जो पूरे विश्व को हिला कर रख दिया, तो जो बाबा के बच्चे हैं उन्हें तो यह पता है कि कल्प पहले जो हुआ सो हो रहा है और आगे भी कल्प बाद यही होना है। कुछ भी घटना घटती है, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पे हो, चाहे वो एक एरिया को पकड़ करके हो, लेकिन जो भी है, तो जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उन्हें हाहाकार हाय हाय नहीं बल्कि वाह वाह कहते, क्योंकि जो भी ये ड्रामा में चल रहा है वह कल्याणकारी ड्रामा है। और बाबा की भाषा में इसे महापरिवर्तन का युग कहा जाता है, महाविनाश का भी नहीं कहा जाता, क्योंकि बाबा कहते हैं महाप्रलय होती नहीं, यदि महाप्रलय होए तो फिर ये दुनिया ही ना रहे, तो दुनिया तो ऐसे हो ही नहीं सकता है ना, अखंड है। बस
प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है, चाहे वो शरीर रूपी प्रकृति हो और चाहे ये जो वर्ल्ड का जो भी पांच तत्व हैं, सभी अपना अवस्था को बदलते हैं, है ना। कोई भी चीज जो है सदा के लिए नहीं रहती है ना, उनकी अवस्थाएं होती हैं। तो बाबा कहते हैं जो भी यह हो रहा है वह महापरिवर्तन का युग है, और विश्व कल्याणकारी परमात्मा कहते हैं कि यह सर्व कल्याणकारी है, चाहे वो जो भी हो। तो बाबा कहते हैं वह तो हाय हाय करते रहेंगे, तुम तो यह घटनाएं देखते रहेंगे, तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है, यह कोई नई बात नहीं है, यह तो होना ही है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाकी थोड़ा समय है, पेट को दो रोटी खिलानी है, अभी अपने को हावी है बाबा से वर्षा लेने की। अनेक प्रकार की हावी आदत मनुष्यों को होती है, यहाँ कोई हावी नहीं। शरीर के साथ ताल्लुक रखने वाली बातों को भूल जाना है, हम ईश्वर के बन गए, अब वापस बाबा के पास अथवा साजन के पास जाना है। यह साजन भी बड़ा विचित्र है, विचित्र होने के कारण उनको पूरा याद नहीं कर सकते। देखिए, हम मनुष्य आत्माएं जब द्वापर में आते हैं तो हम शरीर को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, है ना, विकारों में आने से। तो अब ये इतने जन्म जन्मांतर इस बोझ को हम अपना समझ कर आए, तो इसका जो भान है या देह की जो याद है, यूं ही तो नहीं पल में चली जाएगी, है ना। टाइम लगेगा कर्मातीत अवस्था आने में, खुद को आत्मा निश्चय करने में तो टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि आज बाबा का ज्ञान सुना तो आज ही आपके सारे शारीरिक संबंध छूट जाएंगे या आपको देह याद नहीं आएगी, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह जो बाबा विचित्र है, उसका कोई चित्र नहीं है, वो वैसे ही जैसे हम शरीर को आत्मा चला रही है, लेकिन आत्मा को कोई देख नहीं पाया, भल कितना भी प्रयास किया, साइंस ने भी बड़े एक्सपेरिमेंट किए पर आत्मा को कोई भी नहीं देख पाया, और ना ही जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तब उसे कोई रोक पाया, है ना। जब जितना जिसका पार्ट है उतना हुआ और फिर लाल बटन दब जाता है और हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं विचित्र हूँ, है ना, कोई चित्र नहीं है, ठीक वैसे ही आत्मा के जैसे परमात्मा भी है, जो जिसे सिर्फ समझ सकते हैं, देख तो सकते नहीं है, तो इसीलिए उनको पूरा याद नहीं कर पाते हैं, है ना। तो यह नई रस्म है ना, आत्मा को परमात्मा को याद करना है, और वो भी पूरे कल्प में, सिर्फ संगम पर यह ज्ञान मिलता है, और फिर इस छोटे से संगम युग में हमें 63 जन्मों का सब कुछ हिसाब किताब के साथ साथ भूलना भी होता है, है ना। तो पापा कहते हैं ये नई रस्म है ना, आत्मा को परमात्मा को याद करना है, ऐसे तो कभी याद किया नहीं है। आधा कल्प से सतयुग में सिर्फ इतना समझते हैं हम आत्मा है, ईश्वर को तो कोई याद करता ही नहीं, क्योंकि सुख में कोई सिमरन करता ही नहीं है, है ना। सिमरन करते हैं कब, जब द्वापर में हम दुखी होते हैं, है ना। तो सतयुग में तो एक ही पिता होता है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक दोनों पिता नहीं होते। बाबा कहते हैं सतयुग में सिर्फ इतना समझते हैं कि हम आत्मा है बस, और कोई ज्ञान नहीं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, यहाँ तो आत्मा को परमात्मा बना दिया है, परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी यह पुरानी दुनिया जैसे कि तुम्हारे लिए है नहीं, बुद्धि नई दुनिया से लगी हुई है। जैसे कोई नया घर बनता है तो बुद्धि पुराने घर से निकल नए घर में लग जाती है। अभी इतने धर्म वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, परंतु
एक कभी बुद्धि योग परमपिता परमात्मा से नहीं है, अभी तुमको सिखलाने वाला बाप मिला है, वही ज्ञानेश्वर और योगेश्वर है। अब योग तो उसी से लगाएंगे ना जो योगेश्वर है ना, तो वही सिखाएगा जिसके पास में ये नॉलेज है, जिसके पास में ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं ईश्वर वही है, ईश्वर जो अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं। ज्ञानेश्वर माना ईश्वर में ही ज्ञान है, वही ज्ञान और योग सिखा रहे हैं। जिनको पक्का निश्चय है वह तो समझते हैं, इस दुनिया में हम थोड़े समय के लिए हैं, हमको तो अब वापस जाना है। जैसे नाटक में एक्टर्स को मालूम पड़ जाता है कि बाकी थोड़ा समय है फिर हम घर जाएंगे, घड़ी को देखते रहते हैं, तुम्हारी है बेहद की घड़ी, तुम जानते हो यह अंतिम जन्म है, तो तुमको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। हमको यह पुराना शरीर छोड़ विश्व का प्रिंस और प्रिंसेस बनना है। हमारे मामा बाबा भी जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, बच्चों को भी अच्छी दौड़ी लगाकर विजयमाला में नजदीक नंबर में आना चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बतला सकते हैं, तुम्हारी चलन ऐसी है जिससे दिखाई पड़ता है कि तुम बरोबर विजयमाला में नजदीक आ जाएंगे। खुद को भी मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे, बुद्धि रूपी दर्पण है ना, उसमें चेक करना है, कोई दूसरा चेक नहीं करता। हमें खुद को खुद से ही पहचान करानी है कि सतयुगी आत्मा है, त्रेता युगी है, या द्वापर या कलयुगी कौन सी आत्मा है ना। बाबा कहते हैं कोई तो समझते हैं, हम कभी भी पास नहीं होंगे, भल बाबा का बच्चा हूँ, सब कुछ सरेंडर किया है, बाबा की गोद में बैठा हूँ, परंतु धारणा नहीं है तो उच्च पद मिल ना सके। जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं वह यहाँ रहने वालों से अच्छा पद पा सकते हैं, और देखने में आता है वह बहुत तीखे जा रहे हैं। सिर्फ साथ में रहने से थोड़ा फायदा होता है, बादल सागर के पास आए भरे और फिर यह गए गए बरसने, है ना। देखिए बाबा ने आज बताया है जो बाबा के सम्मुख जो बाबा के पास रहते हैं, तो बाबा कहते हैं फर्क है, थोड़ा सा फायदा है कि जो सागर के पास रहते हैं ना बादल, तो वो क्या कि जल्दी से भरे और फिर बरसने लगे, है ना। तो मुरली तो सब तरफ जाती रहती है ना, पूरे सारे संसार में ही बाबा की मुरली कैसे ना कैसे, आजकल तो इतना आसान हो गया है मुरली को प्राप्त करना, मुरली सुनना सुनाना, कि आप फट से गूगल पे टाइप करो बी के मुरली, तो इतना जल्दी सेकंड्स में ओपन हो जाता है, आप जिस भी निमित्त बहन भाई से सुनना चाहें आप सुन सकते हैं डायरेक्ट मधुबन की मुरली, आप जो भी बहनें सुनाती हैं दादियां सुनाती हैं तो फटाफट मुरली ओपन हो जाती है और डेली मुरली मिल जाती है। तो बाबा कहते हैं मुरली तो सब तरफ जाती है, मुरली सुनकर फिर सुनाते भी हैं, बहुत सर्विस करते हैं, वह अच्छा ऊंच पद पा लेते हैं। मेहनत है, यहाँ मेहनत नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं, है ना। बिना संघर्ष के कोई फल नहीं मिलता ना, संघर्ष जरूरी है, धारणा जरूरी है, ज्ञान सुनना सुनाना धारण करना, है ना। सिर्फ बाबा बाबा कहने से थोड़े ना कुछ होता है, हाँ बाबा तो किसको भी माना, रास्ते से कोई जा रहा है तो उसे बाबा तो नहीं कहेंगे ना, बाबा माना वो बिंदु, परम धाम का निवासी, शांति धाम का रहने वाला, शांति का सागर, है ना, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा, वो है बिंदु स्वरूप, है ना, तो उसे बाबा कहते हैं। तो वहां बुद्धि जानी चाहिए, इस शरीर से उपराम, प्रकृति के नजारों से उपराम, है ना, बादलों से भी पार, चांद सितारों की दुनिया से भी ऊपर, तारागणों से नक्षत्रों से भी पार,
सूक्ष्म बदन से भी पार, शांति धाम, निर्वाण धाम, जहाँ चारों ओर सिर्फ और सिर्फ लाइट ही लाइट है। हम आत्माएं भी सितारों की तरह चमकते हुए अपने शांति धाम की रौनक बढ़ाने वाली है ना, सजाने वाली, घर को रोशनी करने वाली है ना? तो यह तो तभी संभव है जब आप तन का आधार लें, मन बुद्धि से वहां जाएं, है ना। तन छूट जाएगा तो भगवान थोड़े मिलेगा। तो यही बातें जो बुद्धि से समझने की हैं, बाबा कहते हैं जो वहां रहते हैं वह मेहनत नहीं करते हैं तो जल्दी गिर पड़ते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अपनी नब्स आपे ही भी देखी जा सकती है, समझ सकते हैं इस पुरुषार्थ से मैं क्या पद पाऊंगा। अब पुरुषार्थ कर उच्च पद नहीं पाया तो कल्प कल्पांतर ऐसे पद होगा। यह है बेहद का ड्रामा। अपने को बेहद की बुद्धि मिली है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना बड़ा मजा है, परंतु माया के तूफान ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ उल्टा करा लेते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया जीत लेती है। आप देखिए, माया तो ऐसी है कि यहाँ परमपिता परमात्मा तो खुद ही वो माया के राज्य में आए हैं ना, पराये देश में है ना। अब परमात्मा का तो राज्य ये है नहीं, तो रावण अपनी पूरी ताकत लगाता है कि मैं अपने राज्य को खत्म ना होने दूं, है ना। तो वो हर पल और ज्यादा अधिक ताकतवर होकर के हर एक से लड़ाई करता है ना। माया तो लड़ेगी ना, क्योंकि उसका राज्य जो छीनने वाला है। तो कोई भी होगा जब अपना राज्य छीनेगा तो जरूर फिर वो कोशिश करेगा कि हमें से ना छीने, है ना, ना छीनने दे। तो यहाँ तो परमपिता परमात्मा खुद ही दूसरे पराये राज्य में है, तो फिर मेहनत तो करनी पड़ती है। माया तो आती जाती रहेगी। बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चों को माया जीत लेती है। आगे चल बुद्धि भी जास्ती होगी। तुम्हारा नाम बाला होगा। अब दिल्ली में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, बहुत अच्छी लिखा पढ़ी चलनी चाहिए। हेड्स जो होते हैं उन्हों की पहले छोटी कमेटी होती है, फिर बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। पोप आदि का पहले से सब प्रबंध किया जाता है, यह भी कॉन्फ्रेंस में बहुत ख्यालात करते हैं। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस में बड़े बुद्धिमान बच्चे चाहिए, जो बड़े बड़े समझदार हैं उनको जाकर समझाना चाहिए। पहले तो यह बात निकालो कि हेड कौन है। अब बाबा भी आया हुआ है, इनके पहले तो किसको भी देवी देवता धर्म का पता ही नहीं था। अभी बाबा कहते खुशी होती है कि देवी देवता धर्म का भी हेड है। तो जो ज्ञान में परिपक्व हुए हैं वो समझते हैं। अभी हम इन्हों से पूछ सकते हैं कि बताओ सब धर्मों में उच्च धर्म कौन सा है, उनको ही हेड बनाना चाहिए। तुम बी के हो, सबसे हेड। तुम जगत माताएं हो, शिव शक्तियां हैं। मर्तबा भी माताओं का है, दिखाते भी हैं कुमारियों ने बाण मारे हैं भीष्म पितामह आदि को। इन कुमारियों के आगे सबको आना है। तो यह समझाना पड़ता है कि उच्च से उच्च कौन है, फिर समझ जाएंगे कि सर्वव्यापी का ज्ञान झूठा है। अभी तुम हो युद्ध के मैदान पर, बाप का परिचय देना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उनको नशा चढ़ा हुआ है, यह पाठ तो अनेक बार हमने बजाया है। अभी यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, यह पुराना चोला है ना, उसे छोड़ना है, फिर नए सिर आकर पाठ बजाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल बनती है, बनी है। अभी यह पुराना चोला छोड़ना है, ये विकारी तन है ना।
फिर 84 जन्म नए नए चोले लेते हैं, यह बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। हर एक पाठधारी को अपने अपने पाठ का तो पता होना चाहिए ना। 84 जन्म ले पाठ बचाया, अब खेल पूरा होता है, यह चोला भी पूरा होता है। सृष्टि भी तमो प्रधान है, अब हमारी राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा। हम जाकर विश्व के मालिक बनेंगे दूसरे जन्म में, जहाँ जो पढ़ते हैं तो उससे इस जन्म में ही मिलता है। यहाँ जो पढ़ते हैं ना, बाबा कहते हैं, तो उसका एक जन्म के लिए है, अब एक जन्म के लिए ही होगा ना। जैसे अब पढ़ाई की आपने और पता चला कि पढ़ते ही पढ़ते अगर ये शरीर छूट गया बिना नौकरी चाकरी करे, तो फिर आप नए सिरे से आत्मा दूसरा शरीर धारण करेगी, फिर नए घर में नए माता पिता, नए फीचर्स, नया जन्म, तो बच्चे का जन्म, फिर बड़े होंगे, फिर पढ़ेंगे, है ना। इस तरह से वो सिर्फ एक जन्म के लिए होता है, और वो भी बीच में चले गए तो आधा जन्म मिली नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यहाँ तो हम जो पढ़ते हैं वो इस एक जन्म के लिए ही मिलता है। तुमको वह फिर याद आया, हम जाकर देवी जन्म लेंगे, फिर क्षत्रिय जन्म लेंगे। यह बुद्धि में टपकना चाहिए, तब खुशी का पारा चढ़ेगा, चढ़ा रहेगा। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे उनकी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें चलती रहेंगी। बाबा ने समझाया है कर्म तो करना ही है, जब तन को धारण किया है तो बिना कर्म के तो कुछ हो ना सके। भला आप कुछ भी ना करें, आपके पास पानी खाना सब कुछ आ जाएगा, लेकिन आपको हाथ को मुख तक तो ले जाना ही है ना। तो इस तरह पापा कहते हैं कर्म तो करना ही है, फिर अपने याद के चार्ट को बढ़ाना है। रात का टाइम अच्छा है, इसमें कोई थकावट नहीं होती है, सारा समय उस अवस्था में नहीं रह सकते, फिर तूफान आते हैं तो थका भी देते हैं ना। ना चाहते भी तूफान आ जाते हैं, वह थकावट करेंगे, और कौन से व्यर्थ संकल्प के तूफान थकाते हैं, है ना। जब हम पॉजिटिव रहते हैं ना, तो हमारे जो कार्य करने की क्षमता, मन की शक्ति की क्षमता, इवन शारीरिक क्षमता भी पॉजिटिव रहने से बहुत अधिक बढ़ती है। आप कई बार पूरे दिन में जितना काम करके नहीं थकते हैं, उतना किसी के द्वारा कही हुई बुरी बात से थक जाते हैं, और फिर आपका मन भी खराब हो जाता है और शरीर रूप से भी आप थकावट महसूस करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इसी तरह से जो है, तो रात की अवस्था, रात में जो याद करने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि किसी को भी बिस्तर पर जाते ही तो नींद नहीं आ जाती, 5 मिनट 10 मिनट, कई कई तो पूरी रात जागते रहते हैं, तो भी नींद की जिनको प्रॉब्लम होती है नींद ना आने की, उनको नहीं आती है। तो आप, यह बहुत अच्छा एक दवा है कि यदि पॉसिबल हो तो आप 108 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ ऐसे आप लिखें, तो देखिए 2 से 6 दिन में आपको, 1 वीक में आपको बिना दवा के नींद आने शुरू हो जाएगी। और यदि आप नहीं भी लिखने का कुछ नहीं है, मतलब किसी को डिस्टर्ब होता है या किसी भी तरह से, तो आप फिंगर पर या आप माला ही ले लें, और पूरे फीलिंग के साथ कि मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ बल्कि मैं एक लाइट हूँ। लाइट हमेशा हल्की रहती है, बोझ से मुक्त रहती है, है ना। लाइट माना हल्का होता है। तो फिर आप इस तरह से करके देखेंगे तो आप व्यर्थ से भी मुक्त हो जाएंगे, और सोने से पहले जो संकल्प चलते हैं वही संकल्प आपको होल नाइट नींद में भी वही कार्य करते हैं, है ना। फिर सुबह भी आप बहुत अच्छे संकल्पों के साथ बिस्तर को छोड़ें, बाद में भल ब्रश व्रश बाद में करें, फ्रेश बाद में हो, क्योंकि हम फ्रेश होने के चक्कर में तब तक हमारा धंधा धोरी रिश्ते नाते सब याद आ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए बिस्तर छोड़ने से पहले ही संकल्प बहुत श्रेष्ठ करें,
जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं वैसे श्रेष्ठ संकल्प करें, है ना। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं तूफान आ जाते हैं वह थकावट करेंगे, बाकी बाप को याद करते रहेंगे, टॉपिक आदि निकालते रहेंगे तो उसमें माथा और ही भरपूर हो जाएगा। यह बाबा का अनुभव है ना, ब्रह्मा बाबा का। तूफान तो बहुत आएंगे, जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जास्ती पछाड़ेगी, यह एक लॉ है। बाप कहते हैं माया बड़ी बलवान है, क्योंकि उनका राज्य अभी जाना है तो खूब तूफान मचाएगी, उनसे डरना नहीं है। शरीर को कुछ होता है वह भी कर्म भोग है, इसमें घुटका नहीं खाना है, पिछाड़ी का शरीर है, बाकी थोड़ा समय है, ऐसे करते खुशी में रहते हैं। ड्रामा में इस समय तुम सबसे जास्ती मर्तव्य वाले हो, क्योंकि परमपिता परमात्मा की गोद ली है। तुम्हारे में भी जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उन्हों जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं, यह ईश्वरीय सुख बहुत ऊंच है। तुम समझा सकते हो भारत ही स्वर्ग था, अविनाशी खंड है और कोई धर्म नहीं था। वह तो बाद में आए हैं, सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हुई सो। बाबा कहते तो फिर चंद्रवंशी हुए, पहले राजधानी कौन सी, सूर्यवंशी। पास्ट जब हो जाती है तब फिर चंद्रवंशी हुए, तो उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको पता नहीं है। अभी तुम्हें पता पड़ा है, वहां थोड़े ही कोई भी जानते हैं कि सतयुग के बाद त्रेता होता है, तो दो कलह कम होने से बहुत सुख कम हो जाता है। वह क्या हो जाता है, बाबा कहते जब हम सूर्यवंशी से 16 कला से 14 कला में आते हैं ना, तो क्या होता है, वह सुख थोड़ा सा कम हो जाता है। वहां भी श्रेष्ठ रहते हैं, भिखारी कोई होता नहीं, क्योंकि राम राज्य में कोई भी भिखारी नहीं होता, आधा कल्प है ना। तो बाबा कहते हैं वहां दो कलाएं कम होती, ठीक उसी तरह से जैसे चंद्रमा धीरे धीरे अपनी कलाएं कम करता है ना। असल में प्रैक्टिकल में हम आत्माओं का ही, बाबा ने उसे बताया है यथार्थ रीति, कि हम आत्माओं की कलाएं जब धीरे धीरे कम होती हैं तो फिर एकदम आते आते कल्प सतो प्रधान से तमो प्रधान में आते आते एकदम कला लेस हो जाते हैं, है ना, अंधेरा हो जाता है, ग्रहण लग जाता है। तो यही बात बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं दो कलह कम होने से सुख थोड़ा कम हो जाता है, यह ज्ञान सतयुग में हो तो अंदर ही खुटका खाते रहें। यदि बाबा ने यह भी कहा कि यदि यह ज्ञान साथ में चला जाए देवी देवताओं के साथ में, तो फिर उनको चिंता लग जाएगी ना कि हम नीचे गिरेंगे, फिर हम दुखी होंगे, फिर ऐसा पूरा संसार ही दुखी हो जाएगा, तमो प्रधान हो जाएंगे, तो फिर वो सुख कैसे भोगेंगे ना। तो इसीलिए पापा कहते हैं फिर उनको चिंता लगी रहेगी, दिल खाएगी, क्या हम फिर उतरेंगे। तो इसीलिए फिर ये ज्ञान यहाँ ही कल्प बाद ही परमात्मा कर देते हैं, और जब ज्ञान पूरा हो जाता है तो फिर दुनिया नई हो जाती है, और उसकी प्रारब्धि प्राप्ति जो हमें यहाँ प्रैक्टिकल में धारणा होती है, उसकी प्रारब्धि प्राप्ति आधा कल्प रहती है, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह राजाई ही अच्छी नहीं लगेगी यदि यह ज्ञान उनके पास में रहेगा तो। यहाँ भी कोई कोई कहते हैं हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, फिर नीचे उतरना पड़ेगा, परंतु वहां फिर भी राजाई मिलने की खुशी है। अभी तुमको बाबा त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, त्रिलोकीनाथ हम आत्माओं को बना रहे हैं त्रिकालदर्शी, है ना। लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक हैं वह भी त्रिकालदर्शी नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तीसरा नेत्र ज्ञान का दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि तीसरा नेत्र माथे पर उगा देते हैं, बल्कि समझ का तीसरा नेत्र, ज्ञान चक्षु कहो या उसे आत्मा कहो, है ना। तो बाबा कहते देवताओं को यह सब अलंकार क्यों देते हैं, क्योंकि वह फाइनल में है, ब्राह्मण तो गिरते और चढ़ते रहते हैं, है ना। ब्राह्मणों की माला का गुणगान नहीं है, क्योंकि उनकी स्थिति ऊपर नीचे होने लग जाती है, लेकिन देवताओं को अलंकार देते हैं क्योंकि वह ऊपर नीचे नहीं होते, है ना। तो ब्राह्मण तो गिरते चढ़ते रहते हैं, उन्हों को अलंकार कैसे दे सकते हैं, शोभते ही नहीं। ड्रामा में
कितना वंडरफुल राज है, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही हैं, इस ज्ञान से ही तुम देवता बनते हो। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हो, यह तुम्हारा टाइटल है। यह सब बातें समझने और समझाने की है। पहले पहले बाप का परिचय देना है, परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, उनका नाम ही है गॉडफादर। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि गॉडफादर सर्वव्यापी है, क्या हर एक के ऐसे हर किसी के घर में बाप मिल जाएगा क्या? हर एक मनुष्य आत्मा को आप अपना पिता मान सकते हैं क्या? नहीं, तो बाप तो एक ही है, वो सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता, तो वह तो बाप है ना। हम लिखते ही हैं कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परमपिता कहते हैं तो जरूर पिता ठहराना, परमपिता कहते हैं, हम आत्माओं का पिता है ना, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु है ना, सर्व का सदगति दाता, तो वह पिता ठहराना। बाप सर्वव्यापी कैसे होगा? बाप से तो वर्षा मिलना होता है, बच्चों से तो नहीं मिलेगा ना। बच्चे अनेक हो सकते हैं लेकिन बाप थोड़े अनेक हो सकता है ना। बाप तो रचयिता है नई दुनिया का, इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का वर्षा मिला हुआ है। वहां देवताओं को तीसरे नेत्र की दरकार नहीं रहती है, तीसरा नेत्र जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। त्रिमूर्ति का अर्थ कितना अच्छा है, समझाने की बड़ी रौनक चाहिए, तो जो अच्छा उस्ताद होगा उनको समझाने की प्रैक्टिस होगी। दिन प्रतिदिन किसको समझाना बहुत सहज होता जाएगा। परमपिता परमात्मा आपका क्या लगता है? कहेंगे बाप लगता है, बाप है नई दुनिया का रचता। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, जरूर उन्होंने प्रॉपर्टी मिली होगी परमपिता परमात्मा से। राजयोग सीख राजाई पाते हैं, हम सब बीके हैं। कोई को भी समझाओ, अच्छा तुम कहते हो प्रजा पिता ब्रह्मा, तो तुम्हारा पिता हुआ ना, वह शिव भी पिता है। तुम भी ब्रह्म कुमार कुमारी हो, हम दादे से वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं ले रहे हो। आकर समझो, पुरुषार्थ करो तो तुमको भी मिल जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दो हैं मुख्य, वर्षा मिलता है लक्ष्मी नारायण पद। बच्चों को बहुत प्रकार से समझाते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में तुम बच्चे जाओ तब नाम वाला हो। हमारी बात ही ज्ञान की है, दूसरे सबकी बातें हैं भक्ति की। ज्ञान से हमको अथॉरिटी है कोई से भी पूछने की, परंतु समझने वाले भी कोई झट समझते नहीं है, बखेरे बहुत करते हैं। कई कई तो कितना दोष देते हैं कि बीके पागल कर देते हैं, बीके जादू कर देते हैं, बीके ये कर देते हैं, बीके वो कर देते हैं, घर छुड़ा देते हैं, आपस में भाई बहन बना देते हैं। विकारों को छोड़ेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, वंश कैसे बढ़ेगा, ना जाने क्या क्या कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते बहुत बखेरे करते हैं, समझ जाए तो सारी आबरू की आबरू ही चट हो जाए। लिखा हुआ है कुमारियों ने भीष्म पितामह को जीता है, यह होना है ड्रामा में, यह पार्ट है जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला धे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा विजय माला में आने के लिए मामा बाबा के समान सर्विस करने हैं, मुरली धारण कर फिर सुनानी है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। दूसरा, अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान अपार खुशी में रहना है, तूफानों से डरना नहीं है, ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। वरदान है विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें हैं, भावना और भाव।
सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना व अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। अगर इनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी भी विघ्न का मूल कारण यह विपरीत भावनाएं हैं जो व्यर्थ संकल्प करते हैं, आत्माओं के प्रति जो अशुभ भावना रखते हैं, है ना। शुभ भावना और शुभ कामना, भावना भी शुभ होना और कामना भी शुभ होना, है ना। कामना और भावना दोनों अलग अलग हैं। कामना माना किसी के प्रति अच्छी प्रार्थना कर उसके लिए, उसके मन की कामना को पूर्ति करने के लिए, और भावना उसके प्रति शुभ भाव रखो, है ना, सदैव अच्छा सोचो। आज का स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप जिसके साथ है माया उसके सामने पेपर टाइगर है, है ना। लवली स्थिति का अनुभव करो, जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है, है ना। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कभी भी यह नहीं कहो कि क्या करें, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपनी स्थिति अपसेट नहीं करना, अपनी सीट से नहीं उतरना। और सीट कौन सी है? निश्चय की। और निश्चय किस पर करना है? ईश्वर पर। और ईश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान। और सर्वशक्तिमान क्या करता है? इस विश्व की हर एक शक्ति से ऊंची शक्ति है, तो इस संसार को चलाने वाली शक्ति परमपिता परमात्मा, है ना, भगवान जिसे इस दुनिया के मनुष्य आत्माएं मानते हैं, वो आपका है। तो उस पर निश्चय होना, और निश्चय कब होगा? जब आप उनसे संबंध जोड़ेंगे, है ना। तो संबंध आप जो चाहें वो जोड़ लें, जिसमें जो आपके लिए कमी है संबंध में, जिसको आप अनुभव करते हैं कि यह रिश्ता या यह संबंध मैं किससे जोड़ूं, वो संबंध आप ईश्वर से जोड़े, है ना। ओम शांति, ओम शांति।